तो फ्रेंड्स, मीनूज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसा नाश्ता जो 5 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि मैं कोई भी न्यू रेसिपी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए बनाते हैं सुबह और शाम का नाश्ता सिर्फ 5 मिनट में। हरे चने का नाश्ता बनाने के लिए ये मैंने 250 ग्राम हरा चना लिया है, ये इसे छोलिया भी बोलते हैं, एक प्याज, खड़े मसाले में हम लेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, एक तेजपत्ता, एक सूखी लाल मिर्च और एक हरी मिर्च। मिर्ची जो है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और सरसों का तेल। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। तो एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें ज़्यादा हमें सरसों का तेल नहीं यूज़ करना है, तो एक बड़ा चम्मच हमें सिर्फ तेल लेना है और तेल को गर्म होने देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्च, जीरा, हरी मिर्च, सबको चटकने देंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं प्याज। प्याज को हम हल्का लाल होने तक भूनेंगे। प्याज हल्का सा लाल हो गया, यहाँ पे हम डाल देते हैं इसमें नमक स्वाद अनुसार, जितना आप नमक खाते हो उस हिसाब से नमक डाल दें। और एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी, इसे अच्छे से मिक्स कर दें। यहाँ पे और हमें कोई मसाला यूज नहीं करना है, थोड़ा सा हल्दी डाल देना है। प्याज जो है वो लाल हो गया है, बहुत ज़्यादा लाल भी हमें नहीं करना है, नहीं तो फिर वो जला जला सा स्वाद आने लगेगा प्याज में। अब हम इसमें डाल देते हैं जो चना हमने लेके रखा है हरी वाले, वो डाल देते हैं और इसे बस 1 से 2 मिनट भूनेंगे। दो मिनट हो गए हैं और ये चना भी पक जा गया है, देखिए। तो अब हम इसमें से डाल देते हैं धनिया का पत्ता, अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस को बंद कर देंगे। ये हमारा हरे चने का नाश्ता बनके तैयार हो गया। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।